गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिफिकल्ट स्पेलिंग के सेशन 4 की बात करेंगे। आज हम लोग वहां से चलेंगे जहां से हम लोगों ने सेशन 3 को ड्रॉप किया था। ये डिफिकल्ट स्पेलिंग के सेशंस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहले तो आप डिफिकल्ट स्पेलिंग में जो मुश्किल वाले जो लेटर हैं आप उनको सीख रहे हैं। इसके अलावा स्पेलिंग के साथ साथ आप वर्ड के अर्थ को भी सीख रहे हैं, तो आप इस वीडियो सेशन से डबल बेनिफिट पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के जो फर्स्ट वर्ड है वह है आइडोलेट्री। देखिए, हम किसी शब्द को जैसे कहते हैं अगर वैसे लिखते हैं तो कुछ शब्दों को हम लोग अनइंटेंशनली गलत तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। और जब उसको स्पेलिंग के रूप में लिखा जाता है तो वही स्पेलिंग गलत हो जाता है। अगर सही उच्चारण करेंगे तो आमतौर पर हम लोग सही स्पेलिंग तक पहुंच पाएंगे। तो हमारा जो आइडोलेट्री हम लोग आइडोलेट्री कहते हैं, उसका सही उच्चारण अगर उच्चारण के आधार पर लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे आइडोलेट्री। थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम आइडोलेट्री ऐसे लिखेंगे जो कि हमारा गलत स्पेलिंग है, ठीक है ना। अगर उच्चारण के आधार पर अगर हम लिखते हैं तो आइडोलेट्री हम ऐसे लिखेंगे, जबकि हमारा सही जो उच्चारण है वो आइडोलेट्री है, ट्री है, ठीक है ना, टरी नहीं है, ट्री है। यानी कि हमारा जो ये जो एरिया है ये रॉन्ग एरिया है आइडोलेट्री में ना, ये जो है वो नहीं होना चाहिए। हमारा सही जो इसका जो उच्चारण होगा वो आइडोलेट्री होगा, और हम उसको इस प्रकार लिखेंगे आइडोलेट्री, ठीक है ना। आइडोलेट्री का अर्थ होता है मूर्ति पूजा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें लिखना आइडिलिक। आप आइडिलिक कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आप आइडिलिक ऐसे लिखते हैं, उच्चारण के आधार पर अगर आप आइडिलिक ऐसे लिखते हैं तो आप रॉन्ग है। आइडिलिक के स्पेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है डबल एल का होना। मतलब आइडिलिक हमारा ये जो हमारा आइडिलिक गलत है, हमारा सही जो आइडिलिक है वो ये आइडिलिक है। चलिए, तो ये आइडिलिक में क्या देख रहे हैं कि जो डबल एल है ना, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। आइडिलिक का मतलब क्या होता है, कोई माहौल यदि आइडिलिक है तो वो बहुत ही सुहाना और शांत माहौल है। तो आइडिलिक का मतलब क्या होता है, सुहाना और शांत। कोई माहौल यदि आइडिलिक माहौल है तो सुहाना और वह शांत माहौल। चलिए, अभी आई से रिलेटेड अभी हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। हमें लिखना इंपेक्केबल। आप लिखिए, आवाज सुनिए, आप लिखिए इंपेक्केबल। आप इंपेक्केबल को कैसे लिखेंगे, चलिए अगर हम उच्चारण के आधार पर बात करें तो इंपेक्केबल में ना ये हमारा गलत स्पेलिंग होने जा रहा है। इंपेक्केबल का राइट स्पेलिंग में ना सिंगल सी नहीं होता है, ठीक है ना। हालांकि हम लोग अगर आवाज के आधार पर लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे इंपेक्केबल, जैसा हमसे कहा गया वैसा हमने लिख दिया। लेकिन इसमें जो सिंगल सी के बजाय इंपेक्केबल का राइट स्पेलिंग में डबल सी होना चाहिए। हमारा राइट स्पेलिंग ये बनेगा इंपेक्केबल का, और यही इसकी मूल विशेषता है। देखिए, जो डबल लेटर वाले जो वर्ड होते हैं वो बहुत ही रिस्की वर्ड होते हैं, ट्रिकी वर्ड होते हैं एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, ठीक है। इंपेक्केबल में हमें ये याद रखना है कि इसमें जो सी का संख्या है वो संख्या 2 है। मतलब इंपेक्केबल में ना डबल सी होते हैं। इंपेक्केबल का मतलब क्या होता है, शुद्ध शुद्ध, ठीक है ना। यदि आप कोई काम को अगर इंपेक्केबल वे करते हैं तो आप फॉल्टलेस वे में करते हैं। इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है फॉल्टलेस। ये वर्ड के दृष्टिकोण से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसका अगर हिंदी की बात करें तो शुद्ध शुद्ध, ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें लिखना है इनडेफटिगेबल, ठीक है ना। आप लिखिए इनडेफटिगेबल। इनडेफटिगेबल, अब हम सही वर्ड की ओर आ रहे हैं, इनडेफटिगेबल। देखिए, इसमें जी ए बी एल ई होता है, ठीक है ना। इनडेफटिगेबल में आई बी एल ई नहीं होते हैं। इसका ध्यान हमें देना है कि इनडेफटिगेबल में अगर हम आई बी एल ई लिखते हैं तो हमारा ये रॉन्ग स्पेलिंग है, ठीक है ना। इनडेफटिगेबल में ए बी एल ई होता है आई बी एल ई के जगह पर। और इसका मतलब होता है क्या, यदि कोई व्यक्ति इनडेफटिगेबल है इसका मतलब है कि वो थकता नहीं है, ठीक है ना। जो थके नहीं, जो टायरलेस हो, वो इंडेफटिगेबल होते हैं। तो इंडेफटिगेबल का सरल हिंदी कैसे बने, जो थके नहीं वो इंडेफटिगेबल होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें लिखना है इंडिस्पेंसिबल। देखिए, ये इंडिस्पेंसिबल एक वर्ड है। अच्छी अच्छी किताब भी इसको गलत लिखते हैं। अगर आप अच्छे बुक को भी देखेंगे तो अनजाने में, हम उसको अनजाने में ही कहेंगे, जानबूझ के तो कोई गलत नहीं लिखेगा, खास तौर पर जहां किताब की बात होंगे तो अनजाने में लोग उसको अनकॉन्शियसली गलत लिख देते हैं, ठीक है ना। तो उस इंडिस्पेंसिबल का राइट स्पेलिंग की अगर हम बात करते हैं
तो उसका राइट स्पेलिंग ये होना चाहिए, इंडिस्पेंसेबल। देखिए यही जो एरिया है ना जहां पर अधिकांश लोग मिस्टेक करते हैं, ये जो एरिया है ना इंडिस्पेंसेबल का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आमतौर पर लोग इसे आईबीएलई के रूप में लिखते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है ना। यदि कोई चीज यदि इंडिस्पेंसेबल है, सेबल सीबल नहीं है ना, इसमें होना चाहिए इंडिस्पेंसेबल होना चाहिए, सीबल नहीं होना चाहिए, आईबीएलई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेफटिगेबल और इंडिस्पेंसेबल। हमें इस एरिया पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज यदि इंडिस्पेंसेबल है यानी कि वो बहुत जरूरी का चीज है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर सरल भाषा में कहें तो इंडिस्पेंसेबल का हिंदी होता है आवश्यक। देखिए अगर हमें और कहना है, थोड़ा और हम आगे की ओर बात को बढ़ाते हैं, अगर हमें और कहना है हिंदी उच्चारण में, अगर हमें और कहना है तो और का स्पेलिंग दो तरह से खत्म होते हैं, एक ओ आर से और एक ई आर से, ठीक है ना। दो तरह से ये वर्ड और खत्म होते हैं, एक ओ आर से और एक ई आर से। अब हम कुछ ऐसे स्पेलिंग आपको दिखाएंगे जिसमें कि ई आर के बजाय वर्ड का अंत ओ आर से होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसमें कि ईआर हम लोग नॉर्मली कैसे लिखेंगे, हम लोग नॉर्मली ईआर से लिखेंगे जबकि होना चाहिए ओआर। हमसे कहा गया कि आप इंस्पेक्टर लिखिए, आप इंस्पेक्टर कैसे लिखेंगे, चलिए तो इंस्पेक्टर का स्पेलिंग ऐसे होगा। चलिए ये हमारा इंस्पेक्टर का स्पेलिंग है। हमें कहा गया कि आप इंक्यूबेटर लिखिए, अर्थ के बारे में बाद में बात करेंगे, हमने पहले इंक्यूबेटर ऐसे लिख दिया। हमसे कहा गया कि आप इंपोस्टर लिखिए, हमने इंपोस्टर ऐसे लिख दिया, ये हमारा इंपोस्टर है, ठीक है ना। तो जो कि ओ आर, सॉरी यहां पर ओ आर होना चाहिए। देखिए इस तरह के वर्ड्स में, ठीक है ना, इंस्पेक्टर, इंक्यूबेटर, इंपोस्टर, इस तरह के वर्ड में ई आर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बार पूछे जाने वाले वर्ड्स है, जैसे कि हम कहते हैं आप एडिटर लिखिए, संपादक जो अखबार के संपादक होते हैं, आप एडिटर कैसे लिखेंगे, आप एडिटर ऐसे लिखेंगे। देखिए इसमें उच्चारण किसका रहा, और का, इंस्पेक्टर और, इंक्यूबेटर, इंपोस्टर, एडिटर, प्रोफेसर, हमें लिखना है प्रोफेसर, हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा है प्रोफेसर, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। कहा गया कि आप लिखे ओरेटर और, ठीक है ना, ओरेटर, हमने ओरेटर को हमने इस प्रकार लिखा ओरेटर। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे बहुत पॉपुलर, ये सारे बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं तो बहुत सारे ओ आर वाले वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही वर्ड्स है, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जहां पर मिस स्पेल्ट देता है ई आर करके, ठीक है ना। इन जगहों पर नॉर्मली लिखा जाता है ई आर जबकि होना चाहिए ओ आर, थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारा मिस स्पेल्ट एग्जामिनेशन का फोकस क्या रहता है, ईआर देकर के मिस स्पेल्ट की जांच करवाना जबकि यहां होना चाहिए ओआर। अगर इन जगहों पर अगर हम ईआर देते हैं तो हमारा ये वर्ड गलत होता है, ठीक है ना। चलिए इंस्पेक्टर आप समझ रहे हैं, ये तो एक पद का नाम है इंस्पेक्टर। इंक्यूबेटर क्या होता है, देखिए इंक्यूबेटर होता है ना जहां पर अंडा से मुर्गी अंडा से आ जाता है, मतलब अंडा से चूजा निकलते हैं। तो आप ऐसे समझिए अंडे सेने की जो मशीन होती है, ठीक है ना, वो इंक्यूबेटर कहलाता है। अंडे सेने की जो मशीन होती है ना वो इंक्यूबेटर कहलाता है, चलिए जहां से अंडा से चूजा हम निकालते हैं। इंपोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पेलिंग के दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ ये अर्थ के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए एडिटर संपादक आप इसे समझ रहे हैं, चलिए इसके बाद प्रोफेसर जो पद का नाम है, और ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, भाषण देने वाला। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके लिए, और ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं, यही मिस स्पेल्ट में पूछे जाते हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात को मन लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए आपको लिखना है जस्मीन, आप जस्मीन चमेली, जो चमेली का फूल होता है उसको जस्मीन कहते हैं, तो चमेली आपको लिखना है, और मतलब चमेली नहीं लिखना है, चमेली का अंग्रेजी आपको जस्मीन लिखना है। देखिए
जेस्मिन जो होता है ना वो गलत होता है। गलत स्पेलिंग क्या है, हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, हम लोग नॉर्मली स्पेलिंग जेस्मिन का हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये जो जेस्मिन का जो स्पेलिंग है ना, ये गलत स्पेलिंग है। जेस्मिन होता है, जेस्मिन नहीं होता है। राइट स्पेलिंग होता है ना वो जेस्मिन होता है, ठीक है ना, जेस्मिन नहीं होता है। सिंगल एस होना चाहिए, जेस्मिन में सिंगल एस होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है चमेली। देखिए एक वर्ड है जिसे हम लोग बहुत बार गलती लिख देते हैं, आपको लिखना है ज्वेलरी। ज्वेलरी लरी नहीं होता, लेरी होता है। देखिए हम लोग मिस स्पेल्ड एग्जामिनेशन में ज्वेलरी से संबंधित कैसे दिया जाता है, देखिए ये पूछा जाता है इसमें क्या गलत है। लरी नहीं होता है, पहले मैं आपको बता दूं ज्वेलरी में ना लरी नहीं होता है, पहले आप इसको समझिए। ज्वेलरी में ना लेरी होता है, ठीक है ना। ज्वेलरी हम लोग कहते हैं गहना को, हम लोग क्या कहते हैं ज्वेलरी। देखिए ये इसका ना डेंजर जोन है, जहां पर हमें ध्यान कहां देना है, ज्वेलरी के स्पेलिंग डबल एल पर ध्यान नहीं देना है। ये डबल एल ही आपको मिलेगा, सिंगल एल आपको नहीं मिलेगा, गलत वाला पार्ट यहां होगा। यानी कि हमें इस पर ध्यान देना है कि ज्वेलरी में ई आर वाई होना चाहिए, ए आर वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ज्वेलरी का मतलब अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है आभूषण। चलिए हमें कहना है, आप लिखिए जगरनॉट। जगरनॉट आप कैसे लिखेंगे, चलिए जगरनॉट हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ये हमारा है जगरनॉट, कोई विशाल जो रथ होता है ना उसको जगरनॉट कहते हैं। इस पर हमें क्या ध्यान देना है कि जगरनॉट में ना डबल जी का होना, डबल जी का होना इसको इंपॉर्टेंट बनाता है, ठीक है ना। डबल जी इसमें है जगरनॉट में, और इसका जो अर्थ है वो होता है विशाल रथ को, बहुत बड़े रथ को हम लोग जगरनॉट कहते हैं। चलिए हमें कहना है जेटीसन, आप जेटीसन लिखिए। आप जेटीसन कैसे लिखेंगे, चलिए जेटीसन थोड़ा सा देखा जाए। देखिए जेटीसन में ना डबल टी है, जेटीसन में ना हमें देखिए यही जो जो डबल वाला सिंगल वाला लेटर जो वर्ड्स रखते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अब जेटीसन में ना सिंगल एस है, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर मिस स्पेल्ड कैसे पूछता है, डबल एस दे करके, जबकि होना क्या चाहिए, सिंगल एस होना चाहिए लेकिन डबल टी होना चाहिए। जेटीसन में ना डबल टी होना चाहिए। जेटीसन का मतलब क्या होता है, देखिए जब जहाज जब डूबने लगता है, पानी का जहाज जब डूबने लगता है, तो उस पर जो जो माल लदे रहते हैं वो ना माल उतार करके फेंका जाता है, ठीक है ना, ताकि जहाज हल्का हो सके। जो एक्स्ट्रा ईंधन भरा हुआ है, एक्स्ट्रा ईंधन निकाल करके फेंका जाता है। तो जहाज से माल फेंकना जहाज को डूबने से बचाने के लिए जेटीसन कहलाता है। तो जेटीसन का अगर सरल अगर हिंदी कहे तो इसका हिंदी होता है जहाज से माल फेंकना, जहाज से माल फेंकना जेटीसन कहलाता है। थोड़ा ध्यान से इसे देखिए, अर्थ के लिहाज से भी जेटीसन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जेटीसन पर हमें क्या ध्यान देना है, इसका डबल जी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डबल जी होता है और इसकी संख्या इसमें सिंगल होती है, तो ये जेटीसन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए आपको लिखना है जर्सी। जर्सी जो गाय की जर्सी है, और एक जो जर्सी हम लोग पहनते हैं, हम जर्सी कैसे लिखेंगे, आप जर्सी को कैसे लिखेंगे, चलिए। तो जर्सी का राइट स्पेलिंग ये होना चाहिए, देखिए ये हमारा जर्सी है, ये हमारा जर्सी है। जर्सी में ना ये अगर हम लिखते हैं, अगर हम जर्सी को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हमारा जो जर्सी होगा वो गलत होगा। ये जर्सी क्लॉथ भी है, कपड़ा भी है, और यही जर्सी जो है वो काऊ का एक नस्ल भी है। जर्सी गाय जो है वो उसका भी स्पेलिंग यही होता है जर्सी। हमको लिखना जियो पार्डी। देखिए नॉर्मली लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मली लोग लिखते हैं जियो प्रैडी, जियो प्रैडी लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, जबकि होना चाहिए जियो पार्डी, ठीक है ना, जबकि इसका सही स्पेलिंग होना चाहिए जियो पार्डी। और जियो पार्डी का अगर सरल अगर अर्थ कहें तो जियो पार्डी का अर्थ होता है खतरा, ठीक है ना। अगर आप किसी को जियो पार्डी में डाल देते हैं, आप उसको संकट में डाल देते हैं, आप उसको खतरे में डाल देते हैं। तो बच्चों ये जैसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए हम लोग बात को हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक वर्ड और देख लेते हैं, जुबली। जुबली आप किसी का जब वर्षगांठ बनता है ना तो उसको जुबली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जुबली में देखिए इसमें डबल ई का होना इंपॉर्टेंट है। जुबली में कैसे हम ध्यान देंगे, जुबली में सिंगल एल, एल की संख्या सिंगल होगी लेकिन ई की संख्या डबल होगी, ठीक है ना। जुबली का मतलब वर्षगांठ होता है, जैसे डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, ये सब जो चीज होते हैं वो उसमें जुबली शब्द आता है, तो वर्षगांठ को ना हम लोग जुबली कहते हैं।
चलिए हम लोग बात को यहां से आगे लेके बढ़ते हैं। आपको लिखना है केचप, केचप जो हम लोग टोमेटो केचप है ना, चटनी, चटनी का अंग्रेजी केचप होता है, केचप हम कैसे लिखेंगे? देखिए केचप का हमारा जो राइट स्पेलिंग होगा वो ये होगा, दिस इज आवर केचप, ठीक है ना। ये कुछ विशेष अर्थ, ये कुछ विशेष स्पेलिंग वाले ये वर्ड्स हैं, और ये सब वर्ड्स हमारे डेली यूजेस के वर्ड्स हैं। हम इन चीजों को हजार बार सुनते हैं लेकिन कभी सही ढंग से लिखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो केचप का मतलब क्या होता है, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो केचप का मतलब होता है चटनी, ठीक है ना। ये केचप का मतलब होता है चटनी। देखिए एक हिंदी वर्ड है जिसका इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, किस्मत। हिंदी में किस्मत होता है लेकिन इंग्लिश में ना किस्मत लिखते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाए, इंग्लिश में ना किस्मत लिखते हैं। अगर हम किस्मत अगर हम इस तरह से लिखते हैं, अगर हम किस्मत अगर इस तरह से लिखते हैं तो हमारा ये गलत स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग हमारा ये किस्मत है, ठीक है ना। हमें ये ध्यान देना है कि किस्मत में ना ई होता है, ए नहीं होता है। चलिए हमें लिखना है कंगारू। अब कंगारू कैसे लिखेंगे? कंगारू जानवर जो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू, देखिए ये कंगारू है, कंगारू में ना डबल ओ, हमें ये ध्यान देना है कि कंगारू में कितने ओ होते हैं, कंगारू में डबल ओ होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर सिंगल ओ अगर मिलता है तो वो गलत मिलता है। हमें लिखने किलोग्राम, आप किलोग्राम कैसे लिखेंगे? सरल वर्ड है लेकिन थोड़ा सा टिकलिस है, किलोग्राम हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ये हमारा किलोग्राम, ठीक है ना। अगर इसमें अगर डबल एम अगर अगर ई लिख देते ना किलोग्राम, अगर हम ऐसे किलोग्राम लिखते हैं तो हमारा ये किलोग्राम गलत किलोग्राम है, किलोग्राम हम ऐसे लिखेंगे। बच्चों आपके लिए ये बहुत जबरदस्त वर्ड्स है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। नॉल लिखना है, नॉल आप कैसे लिखेंगे? टीला, टीला को ना नॉल कहते हैं, टीला, ठीक है ना, टीला को नॉल कहते हैं। टीला समझते, टीला का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी का जो भाग उठ जाता है, जो जमीन का जो भाग उठ जाता है ना वो टीला कहलाता है। इसमें नॉल में ना डबल एल होता है, इसी तरह से नेल जो घंटा होता है ना वो नेल में ना डबल एल होता है, थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है। तो नॉल का मतलब टीला और नेल का मतलब होता है घंटा, ठीक है ना, जो किसी चीज के अंत का सूचक होता है। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमें लिखना है अगला, हमें वर्ड लिखना है लेजर। कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा जर्नल और लेजर, खाता बही का अंग्रेजी लेजर होता है। हम लेजर को कैसे लिखेंगे? देखिए हमारा लेजर जो होगा ना वो इस प्रकार से होगा, लेजर में ना डी आ जाता है। हालांकि अगर हम ऐसे लेजर लिखते हैं तो हमारा ये लेजर जो होगा वो गलत होगा, लेजर का सही स्पेलिंग ये होगा, और लेजर का अर्थ होता है खाता बही, लेजर का अर्थ होता है खाता भाई। हमें लिखना लैक्रिमोस, लैक्री, आवाज सुनिए, आवाज सुनिए और इसको फॉलो कीजिए। हमें लिखना लैक्रिमोस, हम लैक्रिमोस कैसे लिखेंगे? हमारा लैक्रिमोस ऐसे होगा, देखिए ये हमारा अगर हम ऐसे लिखते हैं लैक्रिमोस, अगर हम ऐसे लिखते हैं लैक्रिमोस तो हमारा ये गलत लैक्रिमोस है, ठीक है ना। लैक्रिमोस हमारा सही ये होना चाहिए, ये हम इस तरह से लिखते हैं लैक्रिमोस। लैक्रिमोस का मतलब क्या होता है? रुआसा, उदास। यदि कोई व्यक्ति लैक्रिमोस चेहरा बना लेता है, वो रुआसा चेहरा बना लेता है, वो उदास चेहरा बना लेता है, ठीक है ना। तो लैक्रिमोस का मतलब होता है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो उदास रुआसा, ठीक है ना, उदास या रुआसा जो चेहरा होता है वो लैक्रिमोस कहलाता है। लामा, लामा एक जानवर है, ये ऊंट के प्रजाति का जानवर होता है लामा। लामा को कैसे लिखेंगे? देखिए लामा में ना डबल एम होता है, लामा में क्या होना चाहिए? लामा में डबल एल होना चाहिए। तो लामा एक जानवर का नाम है जिसका हिंदी भी लामा ही होता है, लामा एक जानवर है। चलिए तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि आपको मतलब बारंबार मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इन वर्ड्स को आप बार बार प्रैक्टिस में रखिए तभी जाकर के ये आपका अपना हो पाएगा। देखिए हमको लिखना लिमोसिन, लिमोसिन बहुत बड़े आकार के महंगे गाड़ी को ना लिमोसिन कहते हैं। चलिए लिमोसिन हम देखिए उच्चारण के आधार पर लिखे तो कैसे लिखेंगे? लिमोसिन हम ऐसे लिखेंगे, लिमोसिन हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन लिमोसिन में ना यहां यू का होना बहुत जरूरी है। ये हमारा है लिमोसिन, लिमोसिन में यू एकदम और एकदम होना चाहिए,
तो ये हमारा ना डेंजर, ये हमारा डेंजर जोन है, फोकस्ड एरिया है, हमें यहां ध्यान देना है कि लिमोसिन में यू होता है, ठीक है ना। तो लिमोसिन का मतलब क्या होता है, एक महंगा गाड़ी को लिमोसिन कहते हैं, एक बड़ा एवं महंगा गाड़ी को हम लिमोसिन कहते हैं। चलिए हमें लिखना लाइजेन, लाइजेन आप कैसे लिखेंगे, बहुत ही टिकलिश वर्ड है, देखिए लाइजन हमें लिखना है, ठीक है ना। सन हम कैसे, सन हम कैसे लिखते हैं, देखिए सन हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दिया जाए, सन हम कैसे लिखेंगे, सन हम ऐसे लिखेंगे या सन हम ऐसे लिखेंगे, या सन हम ऐसे लिखेंगे, मतलब सन को दो तरह से लिखा जाता है, या बेटा वाला सन अगर है तो हम सन ऐसे लिखेंगे, सूरज वाला सन रहा तो सन ऐसे लिखेंगे, हम मतलब मैक्सिमम हम सन इतना तरीका से लिख सकते हैं, ओके। लेकिन लाइजन में जो सन है ना वो एकदम विपरीत सन है। चलिए लाइजन का राइट स्पेलिंग, हमारा हम राइट स्पेलिंग ही लिखते हैं, देखिए ये एस आई ओ एन होना चाहिए था, एक्चुअली एस आई ओ एन होना चाहिए था, आई जो है वो यहां से उठ करके यहां आ गया। चलिए ये है लाइजन, लाइजन का मतलब होता है संपर्क, लाइजन का मतलब होता है कंडक्ट, इसको अगर सरल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है सहयोग या संपर्क, सहयोग या संपर्क, ये हमारा लाइजन होता है। चलिए हम आगे कुछ वर्ड्स को देखते हैं, देखिए देखिए बच्चों बहुत एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, स्पेलिंग से संबंधित चीज है। बहुत सारे वर्ड्स के अंत में ई होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड्स के अंत में ई होते हैं, और जब हम उसमें एबल जोड़ते हैं, जब हम उसमें एबल जोड़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स में ई रह जाता है, ओके। और बहुत सारे वर्ड्स में जो जिनका अंत ई से होता है, यदि उसमें हम एबल जोड़ते हैं ना तो वहां पर ई खत्म हो जाता है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं, अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स से भेंट करा रहा हूं, रूबरू कराना चाहता हूं, जिसमें कि जिसके अंत में ई लगेंगे, लेकिन अगर उसमें हम एबल जोड़ेंगे तो हमारा ई मौजूद रहेगा, ई मतलब वहां पर रहेगा। और कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें कि ई मौजूद रहेगा, वर्ड्स में पहले से ई मौजूद है, लेकिन अगर हम उसमें अगर एबल जोड़ते हैं तो वहां से ई कैंसिल हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम इससे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स को देखते हैं, जैसे देखिए अगर हमें लिखना एक्सचेंज, एक्सचेंज हमने ऐसे लिख दिया, अब इसमें एबल जोड़ना है तो हम एबल ऐसे जोड़ेंगे, एक्सचेंजेबल, मतलब एक्सचेंजेबल का मतलब जिसको एक्सचेंज किया जा सके। चलिए अब अगर इसमें है इंटरचेंज, अगर हम लिखना है इंटरचेंज, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इंटरचेंज हम ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। अब इसमें एबल जोड़ना है तो हम एबल जोड़ेंगे और यहां से ई नहीं हटेगा। ये हमें याद रखना है कि इन सारे वर्ड्स में अगर एबल जोड़ा जाए तो यहाँ ई का होना जरूरी और जरूरी है। हमें लिखना है नॉलेज, नॉलेज आप कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, नॉलेज हम ऐसे लिखते हैं, नॉलेज हम ऐसे लिखते हैं, और लिखना है नॉलेजेबल, कोई ज्ञानी व्यक्ति को नॉलेजेबल कहेंगे। देखिए इसमें ना यहाँ ई मौजूद रहेगा। चलिए हमें लिखना है मैनेजेबल, ठीक है ना, मैनेज आप कैसे लिखेंगे, आप मैनेज ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दिया जाए, और इसमें एबल अगर जोड़ा जाए तो हम इसमें लिखेंगे मैनेजेबल। चलिए लाइकेबल, अगर लाइक पसंद करना, ठीक है ना, लाइक इसमें एबल जोड़ेंगे तो यहाँ ई रहेगा। लिवेबल, चलिए रहने योग्य, लिव मतलब हम ऐसे लिखते लिव, और इसमें अगर हम एबल जोड़ेंगे तो यहाँ पर ई मौजूद रहेगा। हम क्या देख रहे हैं, ऐसे वर्ड्स में हम क्या देख रहे हैं, ये वैसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में तो ई लगा हुआ है, लेकिन एबल लगने से हमारा ई यहां पर खत्म नहीं हुआ है, ई यहां पर मौजूद है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यहां पर ई मौजूद है, यहां पर से ई हटा नहीं है। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे तो वर्ड और भी हैं, ऐसे वर्ड की कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको उपयोगी वर्ड ही बता रहा हूं जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही वैटल वर्ड साबित होंगे, ठीक है ना। तो एक्सचेंजेबल, इंटरचेंजेबल, नॉलेजेबल मतलब जानकार को नॉलेजेबल कहते हैं, मैनेजेबल का मतलब जिसको मैनेज किया जा सके, लाइकेबल का मतलब पसंद करने योग्य, और लिवेबल का मतलब होता रहने योग्य, ठीक। चलिए इसके विपरीत कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
ठीक है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें पहले से लगा हुआ है ई, लेकिन जब हम उसमें एबल जोड़ेंगे तो वहां से हमारा ई खत्म हो जाएगा, जैसे लव। अब लव में अगर हम ई जोड़ते हैं तो हमारा वर्ड हो जाएगा लवेबल। चलिए ये हमारा है लवेबल। इसी तरह से एक वर्ड मिलेगा इमूवेबल, है ना, जो कि घूमे नहीं। जैसे कि हमारे क्या होते हैं ना, हमारे शरीर में कई इमूवेबल ज्वाइंट हैं, कुछ मूवेबल ज्वाइंट हैं जो कि हिल डुल सकते हैं, और कुछ हमारे ज्वाइंट जो है ना इमूवेबल ज्वाइंट है, वो जस के तस रहेंगे। तो इमूवेबल का मतलब जो घूम नहीं पाए वो इमूवेबल होता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, लवेबल और इमूवेबल, जिसके अंत में हमने एबल लगा करके वहां से ई को हमने कैंसिल कर दिया। और ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ई लगने के बाद भी अगर हमने एबल लगाया तो वहां पर ई कैंसिल नहीं हुआ। चलिए इस तरह के वर्ड्स और हम आपको अगले वीडियोस में हम आपको लाएंगे। चलिए कुछ और भी वर्ड्स को देखा जाए। आपको लिखना है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट आप कैसे लिखेंगे? देखिए इंस्टॉल आप ऐसे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इंस्टॉल आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो ही इसमें आप मेंट जोड़ेंगे ना, इंस्टॉलमेंट में जो ही आप ऐसे मेंट जोड़ेंगे तो एक यहां से एल कैंसिल हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट में ना सिंगल एल होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इंस्टॉलमेंट में ना सिंगल एल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके लिए। चलिए हम लोग बात को आगे की ओर देखते हैं। चलिए देखते हैं, हमें लिखना है मिलेनियम। आप मिलेनियम कैसे लिखेंगे? हजार वर्ष के पीरियड को ना मिलेनियम कहते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है, ये वर्ड कई बार मिस स्पेल्ड के क्षेत्र में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। मिलेनियम का सही स्पेलिंग हम ऐसे लिखेंगे, हम आपको सीधे सही स्पेलिंग को दिखला रहे हैं। मिलेनियम में क्या होना चाहिए, देखिए इसका स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे मिलेनियम का। मिलेनियम में डबल एल होता है और डबल एन होता है, ये हमें ये याद रखना है। इसका पूरा फोकस इसके डबल वाले स्पेलिंग पर है, हम एक एक वर्ड याद नहीं रखेंगे। इसी तरह से हम अब हमें लिखना है मिलेनियम, ये तो हो गया। मिलेनियम में हमें क्या याद रखना है, तो डबल एल और डबल एन। मिलेनियम में ना ये दोनों जो लेटर होते हैं डबल फॉर्म में होते हैं, और 1000 साल को 1 मिलेनियम कहते हैं। तो 1000 वर्ष के पीरियड को हम 1 मिलेनियम कहेंगे, ठीक है ना। 1000 वर्ष के पीरियड को हम 1 मिलेनियम कहेंगे, 1000 वर्ष के काल को हम मिलेनियम कहते हैं, 1, ठीक है ना। 1 मिलेनियम इक्वल टू 1000 ईयर। चलिए हमें लिखना है मिलोनियर, अरबपति, है ना, मिलोनियर हमें लिखना है करोड़पति। तो मिलोनियर के लिए क्या स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग की मैं बात कर रहा हूं, मिलियन। देखिए अब मिलियन में ना एयर जोड़ दिया गया, सिंगल एन, हमें ध्यान देना है। ऐसे हम याद रखेंगे कि मिलेनियम में डबल एल डबल एन, लेकिन मिलोनियर और बिलोनियर, ठीक है ना, मिलोनियर और बिलोनियर में क्या होता है ना कि उसमें डबल एल तो होता है लेकिन एन सिंगल ही रह जाता है। हमें इस पर ध्यान देना है, हमें इस पर भी ध्यान देना है कि इसमें सिंगल एन होना चाहिए, डबल एल नहीं, डबल एन नहीं होना चाहिए। और जैसे मिलोनियर हमने लिखा वैसे हम बिलोनियर लिखेंगे, ठीक है ना। मिलोनियम मतलब करोड़पति हो जाएगा, और बिलोनियर का मतलब अरबपति हो जाएगा, बिलियन। आप बिलियन कैसे लिखेंगे, आप बिलियन ऐसे लिखेंगे ना, आप इसमें ये जोड़ दीजिए, ये बिलोनियर हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है करोड़पति सरल भाषा में कहें तो, और ये होता है अरबपति। चलिए दो वर्ड देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें कहा गया कि लीजेंड्री आप लिखे, लीजेंड्री लिखना है, डरी, देखिए लीजेंड्री हम ऐसे लिखे, लीजेंड्री भगत सिंह। देखिए लीजेंड्री तो हमने बोल दिया, अगर हम लीजेंड्री अगर उच्चारण के आधार पर लिखते हैं, लीजेंड्री हम ऐसे लिखेंगे जैसे उच्चारण था ना, हमने ऐसे लिखा लीजेंड्री, लेकिन हमारा ये लीजेंड्री जो है ना वो गलत लीजेंड्री है। हमारा सही लीजेंड्री होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए, लेजी, सॉरी, हमारा सही लीजेंड्री ऐसे होना चाहिए, डरी, देरी नहीं, है ना, सही लीजेंड्री हमारा ऐसे होना चाहिए, डरी होना चाहिए, यहां पर ध्यान देना चाहिए हमें, ठीक है ना। ये ड्राई नहीं होता है, डरी होता है, लीजेंडरी होता है, ठीक है ना। महान व्यक्ति को लीजेंड्री कहते हैं, जैसे लीजेंड्री भगत सिंह, महान व्यक्ति को ना लीजेंडरी कहते हैं। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमें लिखना है मिसलेनियस। मिसलेनियस तब कैसे लिखेंगे?
चलिए मिसलेनियस हम इस तरह से लिखेंगे, सही स्पेलिंग में आपको दिखला रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारा है मिसलेनियस, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अगर स्पेलिंग अगर हमें याद रखने की बात करनी हो हम कैसे लिखेंगे मिसलेनियस में ना, ये डबल एल होता है और नियस नियस ये होना चाहिए, ठीक है ना, अंत हमारा ऐसे होना चाहिए, ये मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब विविध, जैसे कि आप लोग चैप्टर के अंत में मिसलेनियस क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये मिसलेनियस का अर्थ है विविध। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको लिखना, मार्की। मार्की आप कैसे लिखेंगे, चलिए मार्की आप ऐसे लिखेंगे, देखिए ये है मार्की, तो बहुत बड़े तंबू को ना मार्की कहते हैं, बहुत बड़ा समियाना, समियाना आप समझते हैं समियाना क्या होता है, बड़ा टेंट या बड़ा तंबू या समियाना को हम लोग मार्की कहते हैं। इसमें स्पेलिंग हम कैसे याद रखेंगे, मार्की में डबल ई, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो जो एरिया है जहां पर हमें ध्यान देना है, मार्की में ना डबल ई होना चाहिए, यह हमें फंसा देता है, पता नहीं चलता है कि चिंपांजी में, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि चिंपांजी में सिंगल ई होगा कि चिंपांजी में डबल ई होगा, मार्की में डबल ई होगा कि मार्की में सिंगल ई होगा, ये बार बार प्रैक्टिस से आप पा लीजिएगा, आपको बार बार इनको लिखना होगा, अगर मिस स्पेल्ट वाले सेक्शन पर ध्यान देना है तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसका और कोई भी साधन है, आप एक एक वर्ड तो रट नहीं सकते हैं, एक एक हर एक वर्ड के एक एक लेटर को नहीं रट सकते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान देना होगा, कभी कभी देखिए हम लोग गलत तरीके से उच्चारण कर देते हैं, ठीक है ना, और उसका खामियाजा होता है कि हम गलत स्पेलिंग भी लिखते हैं, हम लोग आमतौर पर कहते हैं मैग्निफिसियंट, अगर हमें कहना कि कोई चीज शानदार है, शानदार है, हम लोग आमतौर पर लिखते हैं मैग्निफिसियंट, थोड़ा ध्यान दिलाता हूं दो वर्ड पर, गलत उच्चारण के कारण ये हम लोग लिखते हैं, गलत उच्चारण की वजह से आमतौर पर इसका गलत लोग उच्चारण करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं, बोलते कैसे मैग्निफिसियंट, फिसियंट बोलते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण होना चाहिए मैग्निफिसेंट होना चाहिए, ठीक है ना, मैग्निफिसियंट गलत है, ये जो चीज समझ लीजिए, यहां पर मैग्निफिसियंट में आई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसका उच्चारण ही गलत करेंगे तो लिखेंगे क्या, सही थोड़े लिखेंगे, तो आमतौर पर लोग इसे पढ़ते हैं है ना मैग्निफिसियंट पढ़ते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण होना चाहिए मैग्निफिसेंट होना चाहिए, तो सही जब हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सही लिख पाएंगे, तो इसका सही उच्चारण होना चाहिए मैग्निफिसेंट होना चाहिए, फिसियंट नहीं, ठीक है ना। और इसी तरह से एक और वर्ड है बेनिफिसियंट, चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, मैग्निफिसियंट की तरह इसको भी गलत पढ़ देते हैं, बेनिफिसियंट पढ़ देते हैं जो कि गलत है, नहीं इसका बेनिफिसेंट होना चाहिए मैग्निफिसेंट की तरह, ठीक है ना, इसमें क्या होना चाहिए बेनिफिसेंट होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दिया जाए क्या होना चाहिए और हम क्या पढ़ देते हैं। चलिए तो मैग्निफिसेंट का अगर हम अर्थ कहें तो इसका अर्थ होता है शानदार, और अगर बेनिफिसेंट का अगर अर्थ कहें तो बेनिफिसेंट का अर्थ होता है परोपकारी उदार, है ना, जेनरस इसके सिनोनिम्स होंगे, परोपकारी या उदार व्यक्ति को ना हम लोग बेनिफिशियंट कहते हैं, इसके सिनोनिम्स मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो जेनरस होगा, जेनरस का भी मतलब होता है उदार, और ये वर्ड कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के सेक्शन में। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, चलिए हमें आगे लिखना है, आप इस वर्ड को कैसे लिखेंगे, ऑब्सेशन, बहुत ही क्वालिटी का वर्ड है ये, ठीक ना, ऑब्सेशन स्पेलिंग की दृष्टि से बहुत ही क्वालिटी का वर्ड है, अच्छे अच्छे लोग यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ऑब्सेशन में क्या होना चाहिए मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगा, ऑब्सेशन में ना पहले सिंगल एस होता है, देखिए यही समझ में नहीं आता है कब सिंगल एस कब डबल एस,
ठीक है ना, पहले डबल एस के पहले सिंगल एस, अगर डबल एस कहा भी गया कि ऑब्सेशन में डबल एस होता है, अब पता नहीं कि कौन सा ऑब्सेशन में डबल एस होगा, पहले वाला होगा कि दूसरे वाला होगा, ये पता नहीं चल पाता है। तो चलिए ऑब्सेशन का राइट स्पेलिंग यही है, ऑब्सेशन में पहले सिंगल एस होता है और तब जाकर डबल एस होता है। मतलब कि अगर हम इस तरह से अगर ऑब्सेशन लिखते हैं, जो कि हम लोग आमतौर पर हमें देखने को यही मिलता है, अगर हम इस तरह के ऑब्सेशन लिखते हैं तो हमारा ये सुपर गलत है, इसमें पहले डबल एस नहीं होता है, ऑब्सेशन में ना पहले सिंगल एस होता है और तब जाकर डबल एस होता है। हमें ये ध्यान देना, हमारा सही स्पेलिंग ये है। देखिए ऑब्सेशन का अर्थ क्या होता है, लीन या मग्नता, आप कोई चीज में मगन हो गए हैं, दिन रात आप उसी के बारे में सोचते हैं और इतना चीज सोचते हैं कि आप दूसरा चीज नहीं सोच पाते हैं, इसको ऑब्सेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्सेशन का हिंदी क्या होगा, लीन, आप कोई चीज में लीन हो गए हैं या आप किसी चीज में मग्नता आप समा गया है, ठीक है ना। तो लीन, लीनता, आप लीन मत कहिए, लीनता या मग्नता को कहते हैं ऑब्सेशन। चलिए आपको लिखना है ओबिसेंस, ओबिसेंस आप कैसे लिखते हैं, ओबिसेंस हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा है ओबिसेंस, इसका ये जो स्पेलिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, पता नहीं चल पाता है कि आई होगा, बहुत सारे वर्ड्स में पता नहीं चल पाता है कि आई होगा कि ई आई होगा, लेकिन ओबिसेंस में ना ई आई होगा, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ, ठीक है ना। और ओबिसेंस का अर्थ होता है ना झुक करके नमन करना, तो नमन, नमन का राइट जो अंग्रेजी है वो है ओबिसेंस, अगर कोई व्यक्ति अगर ओबिसेंस करता है किसी का तो उसका वो नमन करता है। चलिए हम लोग बात को हम आगे बढ़ाते हैं, हमें लिखना ऑमलेट, ऑमलेट जो हम लोग खाते हैं, ऑमलेट कैसे लिखेंगे, ये हमारा है ऑमलेट, चलिए ये हमारा सही स्पेलिंग है ऑमलेट का, ठीक है ना। ऑमलेट में डबल टी होता है, थोड़ा ये ध्यान देना है, ऑमलेट में ना डबल टी होता है, ये पूरा इसका ये फीचर एरिया है जहां पर हमें ध्यान देना है, ओके। तो ऑमलेट का मतलब ऑमलेट, इसको आप समझिए और इसके स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये ऑमलेट वाली बात हो गई, देखिए हमें लिखना है पोजेशन, पोजेशन आप कैसे लिखेंगे, पोजेशन का मतलब होता है कि कोई चीज पास रखना, वो पोजेशन कहते हैं, पोसेस। चलिए बहुत अगर पोसेस लिख देते हैं तो आप पोजेशन पर चले जाएंगे, पोसेस हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, पोजेशन भी हम ऐसे लिखेंगे। तो पोजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, पोजेशन का मतलब होता है पास रखना, पास पास रखना, है ना, ये पोजेशन होता है। अगर कोई चीज को अगर आप पोजेशन करते हैं, पोसेस करते हैं, पोसेस ही पढ़िए, चलिए यही ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है पास रखना, अगर कुछ को प्रोसेस करते हैं आप उसको पास रखते हैं। देखिए बच्चों दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं यहां मेंशन करना चाहता हूं, अकर, अकर वाला वर्ड अक्सर पूछता है। देखिए अकर में क्या है ना, अकर का मतलब होना होता है, तो अकर में डबल सी और सिंगल आर होता है, अकर का मतलब होना, पहले आप ऐसे समझे, अगर कोई चीज होता है, घटित होता है तो अकर होता है, होना अथवा हम इसको कह सकते घटित होना, थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो देखिए अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है, अभी ये महत्वपूर्ण नहीं, अगर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसमें कुछ जोड़ेंगे ना वो इंपॉर्टेंट इसको बनाएगा, ठीक है ना। देखिए अकर में अगर हम V2 बनाते हैं, अकर का V4 बनाते हैं ना, तो ये जो R है ना ये डबल हो जाएगा, अभी तो ये सिंगल R है, लेकिन अगर हमें लिखना इसका V2 अकड़ लिखिए आप, तो हम अकड़ ऐसे लिखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अकड़ का V2 या V3 रूप, ठीक है ना। हमें लेकिन अकरिंग आप लिखिए, अकरिंग कैसे लिखेंगे, V4 रूप में लिखना है तो अकरिंग हम ऐसे लिखेंगे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जब हम अकर में जब हम V2 या V3 करते हैं, या अकर का अगर हम V4 करते हैं, मतलब अगर अकर में हम कुछ भी जोड़ते हैं तो उसमें R की संख्या ना डबल हो जाती है, हमें इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है अकर का स्पेलिंग, ठीक है ना। चलिए देखिए तीन शब्द है, उच्चारण से तो ये एक जैसे लगेंगे लेकिन इनके स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर रहेगा। आपको कहा गया कि आप लिखे ऑपरेस, ऑपरेस आप कैसे लिखेंगे, तो चलिए ऑपरेस हमने ऐसे लिख दिया, ऑपरेस का मतलब होता है सिंपल भाषा में कहे तो सताना, ठीक है ना। अगर आप इसको सताते हैं आप इसको ऑपरेस करते हैं। आपको कहा गया कि लिखे सप्रेस, सप्रेस कैसे लिखेंगे, चलिए हमने सप्रेस भी लिख दिया, सप्रेस हमने ऐसे लिखा, सप्रेस का मतलब होता है दबा देना, कुचल देना, किसी चीज को दबा देना, कुचल देना सप्रेस कहलाता है। चलिए हमको कहा गया कि आप रिप्रेस लिखिए, रिप्रेस आप कैसे लिखेंगे, तो रिप्रेस हमने ऐसे लिखा। देखिए अब ये जानते हैं स्पेलिंग की दुनिया में ना ये बहुत ही क्वालिटी के वर्ड है,
तीनों में डबल एस है। हम क्या देख रहे हैं इसमें कॉमन बात हम क्या देख रहे हैं, तीनों में डबल एस है, ऑपरेस में भी डबल एस है, सप्रेस में भी डबल एस है, रिप्रेस में भी डबल एस है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन दो में डबल पी है, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान दिया जाए, दो में डबल पी है लेकिन एक में सिंगल पी है। ये याद रखना बहुत ही मुश्किल भरा काम है कि किस में सिंगल पी है। अभी तो आप बोर्ड देख रहे हैं, आपको याद है कि रिप्रेस में सिंगल पी होता है, लेकिन जब यही बात जब क्वेश्चन पेपर के रूप में मिलेगा आपको याद नहीं, हाँ आप तो एक समझेंगे कि हाँ एक में सिंगल पी था, लेकिन किस में सिंगल पी था ये याद रखना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। तो ये सप्रेस रिप्रेस ऑपरेस तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग के लिहाज से भी और अर्थ के लिहाज से भी। तीनों में कॉमन बात क्या है कि तीनों में डबल एस है, इसमें दो में डबल पी है और एक में सिंगल पी है, तो हमें ये याद रखना है कि किस में सिंगल पी होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंगल पी होना चाहिए रिप्रेस में, रिप्रेस का भी अर्थ होता है दबा देना, अगर आप कोई चीज को रिप्रेस करते हैं आप उसे दबा देते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, दबा देना या इसको सरल भाषा में कहें तो नियंत्रित करना, कंट्रोल में रखना किसी चीज को, अगर आप किसी को चीज को कंट्रोल में रखते हैं आप उसको रिप्रेस करते हैं। चलिए आप तैयारी किस चीज की करते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं प्रिपरेशन, हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं प्रिपरेशन, ठीक है ना। आप प्रिपरेशन किस चीज का करते हैं, तो आप कहेंगे सर हम एसएससी का करते हैं, बैंक का करते हैं, मैनेजमेंट का करते हैं, किन चीजों का हम प्रिपरेशन, प्रिपरेशन नहीं होता, यही तो मैं बात बताता हूं। गलत बोलने का एक यही अंजाम होता है कि आप गलत स्पेलिंग की ओर जा रहे हैं, अगर आप सही बोलिएगा आप एकदम सही लिखिएगा, ठीक है ना। उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कब होगा जब आप सही उच्चारण करेंगे तब होगा। हम लोग जाने में अनजाने में चीजों को गलत तरीके से बोलते हैं तो उसका खामियाजा होता है कि गलत तरीके से लिखते हैं। देखिए प्रिपरेशन नहीं होता है, थोड़ा ये समझ लिया जाए, प्रिपरेशन हमारा टोटली गलत हो ये वर्ड है, प्रिपरेशन तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, होता है क्या प्रिपरेशन होता है ना, इसका सही जो स्पेलिंग होगा वो क्या होगा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन नहीं प्रिपरेशन, तैयारी का अंग्रेजी जो होता है ना वो होता है प्रिपरेशन नहीं होता है, जो कि हम लोग आमतौर पर गलत कह देते हैं, ये होना चाहिए प्रिपरेशन होना चाहिए। चलिए कुछ और वर्ड्स हम लोग देखते हैं, हमें कहा गया कि आप लिखे साइकोलॉजी मनोविज्ञान। देखिए साइकोलॉजी में भले हम एस से बात को बोल रहे हैं साइकोलॉजी, लेकिन इसको लिखते हैं पी से, ठीक है ना। साइकोलॉजी का जो स्पेलिंग होता है वो ऐसे होता है साई, यहां से अब हमको जो बात आगे लिखना हम लिख सकते हैं साइकोलॉजी, ठीक है ना। इसका स्पेलिंग जो होता है वो एस से नहीं होता, वो पी से होता है, और साइकोलॉजी का अर्थ होता है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का अर्थ होता है मनोविज्ञान। तो बच्चों आज का बात हमारा इतना ही रहेगा, ये वीडियो सेशन आगे फिर जारी रखेंगे, अब इसमें कुछ और वीडियो